आपको पता है सबका खाना खत्म हो चुका है, सबका खाना देखो सब किलो सब लोग खा चुके हैं, सिर्फ एक इंसान रह गया। अरे तो मेरा जन्मदिन है और अभी आधा घंटा बचा भी है, एक ही दिन तो जीता हूँ मैं। जीने दो। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, संभावना खाना ऑर्डर कर रही है। क्योंकि जो हमारे साथ आधे लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन है और आधे लोग वेजिटेरियन है, तो उस हिसाब से ऑर्डर होगा। नॉन वेजिटेरियन वालों की खुराक कुछ ज़्यादा दिखती है मुझे, मुझे कुछ पता नहीं अभी वेज में मैं क्या खाऊंगी, मैं पूछूंगी कि वेज में अच्छा मिलता क्या है। इनके लिए पहले नॉन वेज में ऑर्डर कर रही हूँ। और इधर की काफ़ी तरह क्या मटका हांडी, काला मटका, कुछ ऐसा ऐसा चीज़ें बता रहे हैं। इट्स अ ह्यूज प्लेस, इट्स अ ह्यूज प्लेस। मैं चाहती हूँ कि अविनाश एक बार घूम के ना लोगों को दिखाओ कि इधर बैठने की कौन कौन सी क्या तस्खाना क्या क्या दस्तरखान दस्तरखान है यहाँ पे, फैमिली रूम्स हैं अंदर। इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेस जो मैं पहली बार आके देख रही हूँ। खाने की मैंने अविनाश से तारीफ सुनी है, खाना जब मैं खाऊंगी तो मुझे मालूम पड़ेगा, बट आई एम श्योर इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक सेक्शन ओनली फॉर मेन्स है, लाइक अगर यहाँ पर आपके साथ लड़कियाँ हैं तो वो उस सेक्शन में आप बैठ नहीं सकते हैं, वो भी एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है जहाँ से हम एंटर कर रहे थे। उसके बाद ये फैमिली सेक्शन है जहाँ पर आप कोई भी बैठ सकते हो। मुझे बहुत मजा आ रहा है ये चीज़ देख कर। तो मैंने इधर आने के बाद ये चीज़ मेरे को स्ट्राइक की है कि अच्छा इसका नाम नवाब इसलिए है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लखनवी खाना है। जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो लोग भी मुझे देख रहे हैं पलट पलट के, आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा सलाद दे दो, तो सलाद दे दो, एक दे दो जल्दी से, सलाद दे दो, बहुत भूख लग रही है, चटनी दे दो साथ में। तो आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम मैंने यहाँ की चाय पी थी जो बहुत स्पेशल चाय, पूरा खाना खाने के बाद वो चाय मैंने दोबारा मंगाई है और मैं चिराग के साथ बैठ के पीऊंगा। चिराग चीयर्स। मीडियम रहेगा। आज मेरे दोस्त की बर्थडे है और एक बहुत खास बात है कि हम लोगों ने जो थिएटर करना शुरू किया था एक्टिंग, वो भी हमने साथ ही करना शुरू की थी 2007 में, और हमने राइटिंग करना भी शुरू किया वो साथ में किया है। तो हम वो करते करते कहीं पहुँचे हैं और हम राइटिंग करते करते भी कहीं पहुँचेंगे। तो लेट्स सी फॉर आवर फ्रेंडशिप, फॉर हिज बर्थडे एंड फॉर आवर राइटिंग। चीयर्स। मेरे बाकी दोस्त भी आ चुके हैं, उनकी गाड़ी आके रुकी, अभी 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 अंदर आ रहे हैं। और आप लोग मुझे ये जरूर बताना कि आपको मेरा नया लुक कैसा लग रहा है, जो मैं नया बना रहा हूँ ना लुक, ऊपर रणवीर सिंह और नीचे कबीर सिंह, ये बता देना मुझे कैसा लग रहा है। अरे भाई स्वैग है उसका, स्वैग कह रहा, लास्ट में बताऊंगा नाम खिलाने के बाद, पेट ना खराब कर दे। लाइफ में अच्छे लड़के ढूंढ रही हैं, एक बार इधर भी तवज्जो दीजिए, इनका इंस्टा आईडी है घर का चिराग चिराग चिराग। ये शर्मिला है, हो सकता है आपको जल्दी बातों के जवाब ना दे लेकिन ये इंटरेस्टेड होगा, पर जब देगा तो आप सुन नहीं पाओगे। अरे ये कुछ अंशुमन बोला है लेकिन मैं ये अंशुमन की बात काटते हुए आपको बताऊंगी, हो सकता है ये जल्दी आपको जवाब ना दे लेकिन जितना आपको कम जवाब इसका आएगा उतना समझ लीजिए ये आप में इंटरेस्टेड है, ये बोलता नहीं है लड़कियों। और लड़का देख के पसंद कीजिएगा, तो गुण तो आपका एक भी नहीं मिलने वाला इससे। नहीं अच्छा है ना, शराब कबाब कबाब पे किसी को नहीं छोड़ता, सबको तो मैं आपको टेस्ट करके बता देती हूँ। ये है कुछ पेपर पोटैटो, बिल्कुल ना, और ये है क्रिस्पी पोटैटो, ये अच्छा है लेकिन ये वाला बहुत बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, सॉल्ट एंड पेपर। और ये है बंजारा चिकन, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, टू गुड। मैं ज़रा पनीर भी आपको बता देती हूँ टेस्ट करके कि कैसा है। सो दिस इज सम काइंड ऑफ पनीर, बहुत बढ़िया व्यू भाई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। मुझे बड़ा क्या था, क्या बोला? मुझे बहुत अच्छा, मजेदार। मैं तो अपने भूल जाता भाई, थोड़ा सा ज्यादा खाली, अपना नाम थोड़ा सा ज्यादा टेबल तुमने खाली। सुनो मेरी बात, मैंने ज्यादा कुछ नहीं खाया है, इन्होंने खाया है बहुत ज्यादा। हम बेचारे वेजिटेरियन लोग, क्योंकि मैं बाय चॉइस एक्चुअली मैं सही बताऊं तो मुझे वेज ही अच्छा लगता है। मतलब मैं डाइट पे जाती हूँ ना, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे चिकन चिकन खाना पड़ता है, आई डोंट लाइक चिकन, आई डोंट लाइक नॉन वेज। तो मुझे वेजिटेरियन बड़ा अच्छा लगा था मेरे को इनका देखना, पनीर तो बहुत ही गजब का था, आलू बहुत जबरदस्त था, चिकन वाला चीजें ये लोग बताएंगे कि कैसा था। अरे क्या हुआ,
मैं ऐसे ही हंसता हूँ। बहुत चिकन विकन बढ़िया था, दो तीन नाना प्रकार के चिकन आए थे और बहुत बढ़िया था, काफी मजा आया। ये वेजिटेरियन सामने बैठे हैं, देखिए सामने चेहरे सब कुछ बढ़िया था। सामने तीन योगी साधु बैठे हुए हैं, महाराज तो यहाँ है, महाराज गुरु यार, गुरु पाजी डिटॉक्स कर रहे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ये जनरल मोटर डिटॉक्स कुछ। अरे देखो इनकी प्लेट में देखो ना, प्याज और वो प्याज और दिखाना, प्लेट दिखाना, चटनी भी खा ले, ये तो खा ले। अच्छा इधर गुट बाजी हुई है ना, वेजिटेरियन लोग अलग। अभी गाड़ी के अंदर ये चिराग और गुरी बात कर रहे थे कि यार ये वाला लड़का है ना, ये यार बहुत अच्छा लड़का है यार, इसको ये जो लड़की है ना, एक लड़की है, कोई लड़की का नाम ले रहे थे, उसको ये जो मिल गया ना लड़का, बहुत ही अच्छा लड़का। अब मैं इन तीनों में से ढूंढ रही हूँ कौन है वो लड़का, कौन है। अब तीनों मुकर गए, इन दोनों की होगी, तुम्हारी ये तो शक्ल से झूठा लग रहा है, इसकी शक्ल पे झूठा है ना, डाउट है, हीरा है, फ्रेंड्स ऑप्शंस है, ऑप्शंस जस्ट कॉम्प्लिकेटेड। अरे अरे तेरी तेरी बारी, तेरी गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ तो सुबह केसरी है इनका कोई। ऐसे ऐसे दोस्तों के कहाँ से गर्लफ्रेंड मिलेगी? अरे सुनो ना, एक्साइटेड टू गर्लफ्रेंड बना, संभालना। मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो तो, लेकिन वो भी चाहे। लड़कियों जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज मेरे सब्सक्राइबर्स, एक ये है जरूरी वाला केस, इसका इंस्टा आईडी बताओ। इसका इंस्टा आईडी मैंने डाल दिया है, अंशुमन पेन्यूली, और इनका है घर का चिराग। नहीं ये गर्लफ्रेंड मतलब सिर्फ बेटियां मनाता है, बेटियां बेटियां क्या वो तो अपना उम्र है ना, बेटी बढ़ाओ अभियान चलाते हैं। और ये जो सामने तीन लड़के बैठे हैं ना, बीच में है ये बहुत कमाल का योगा इंस्ट्रक्टर है, टांग उठा के टांट में मार देता है। अच्छा इससे भी लड़कियां तो आती होंगी योगा करते करते, सांस अंदर बाहर अंदर बाहर, उसी में काम हो जाता है। भैया इसके पीछे जो लड़कियां लट्टू हुई है क्या बताएं, वो भी टीवी स्टार, टीवी एक्ट्रेस। अच्छा बस अब इसके आगे कुछ बोला ही नहीं जा रहा, मैट पे डेट करते हैं क्या? क्योंकि ये योगा इंस्ट्रक्टर है तो इनकी जो डेटिंग होती है वो योगा मैट पे ही होती है, उसके बाहर ये बात नहीं करते हैं। आपको पता है सबका खाना खत्म हो चुका है, सबका खाना देखो, सब लोग खा चुके हैं, सिर्फ एक इंसान रह गया। अरे तो मेरा जन्मदिन है और अभी आधा घंटा बचा भी है, तो मैं बस करो सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा, एक ही दिन तो जीता हूँ मैं। जीने दो, तेरे को बढ़िया सी आ रही है। डायलॉग में बोल रहा हूँ उसके। और ये फाइनली आ गई गड़बड़ आइसक्रीम, और ये एक ही है इसीलिए मैं समझ गया था गड़बड़ है इसमें कुछ। मैं शुरू करूँ पहले, खा के बताऊँ सबको हाँ। कैसी है? मैं खा के बता, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ क्रीम व्रीम डली हुई है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बस अब ये है आउटस्टैंडिंग, सुनो अच्छा, सुनो मेरी बात, बहुत गजब है, छोड़ दे मैंने। अरे वहीं से जबान फेंक के खींच ले, खाना हमारा हो गया है, सिर्फ बिल का वेट हो रहा है, और खाना बहुत ही बढ़िया। मैंने बहुत ज्यादा नहीं खाया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खा नहीं पाती हूँ, बट इन्होंने दबा के खाया है, आई थिंक सबसे ज्यादा विनाश ने खाया है, बट आई लव द फूड। और ये एरिया बहुत दूर है घर से हमारे, लेकिन स्टिल इट वॉज वर्थ कमिंग हियर। कहते ना आप 2.5-3 घंटे आपने बर्बाद कर दिए यार ट्रैवल में, खाना जब खाया तो पता लगा कि यार था बनता था, दम है इस जगह में। हाँ जी विनाश जी कुछ बोलना चाहेंगे? बेबी मैं नींद में हूँ थोड़ा सा, मैं शून्य में हूँ। शून्य में तो मैं करती तुम्हें, इतना खाया ना तुमने, बिल बिल मुझे देना है। हाँ तुम तो बोली थी ना मेरे बर्थडे पे तुम सरप्राइज दे रही हो, सरप्राइज था यही तो था, यही सर तुम दोगे। मैंने इसलिए तो इतना खाया कि तुम पैसे दे रही हो, और मेरे ऊपर ही आ गया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले से तुम्हें बताओ, मैं खाना आधा जाता, मैं चाहती हूँ पेट भर के तुम खाओ, इसलिए सरप्राइज दिया ना मैंने बाद में। ये तो गलत बात है बेबी, मैं सोच रहा था कि ये तुम्हारी तरह से सरप्राइज है। अच्छा लगा ना, आप लोग मेरे को बोलेंगे कि अरे आपने इतना भी नहीं कर सकते पति के लिए, अविनाश आपके लिए इतना कुछ कर सकता, अविनाश आपके लिए, अविनाश आपके लिए
कर दिया, अच्छा मज़ा आया तुम्हें। अब मैं बिल दे चुकी हूँ, वो तो नहीं दिखाओगे तुम ब्लॉग में, लेकिन गाली पड़वा दी मेरे को, मज़ा आया, अच्छा लगा जी। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं नवाब ढाबा के किचन में, और आई विल शो यू कि कितना बड़ा किचन है और क्या कमाल का खाना बन रहा है। खाना किसी के लिए चला गया, दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, एंड इतना ब्यूटीफुली ये सर्व करते हैं, इतना अच्छी तरह से मनाते हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इनकी किचन को देखकर, जिस तरह से इनका जो इतना बड़ा इतना ह्यूज एक्चुअली पीछे तक है, मतलब हम लोग ह्यूज किचन, एंड इनके वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, इनकी सर्विसिंग बहुत अच्छी है, इनकी हर एक चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी ना। खाना तो ऑफकोर्स अच्छा है, खाना सबसे पहली बात है, खाना अगर अच्छा है तो सारी चीज़ें अच्छी है। तो इनका स्टाफ, एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस इज वेरी गुड। क्या नाम है आपका? विकी। ये जो चिकन बना रहे थे ना इतना आग उड़ा उड़ा के, हिज नेम इज विकी। सो आई एम राइट नाउ विद मिस्टर मोहम्मद अदनान एंड तालिब अंसारी। तालिब अंसारी एहतिशाम। एहतिशाम, मैं नाम में कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट ही इज द ओनर ऑफ दिस प्लेस। और आपको मैं फैक्ट बता रही हूँ कि बहुत दूर से आए हम लोग, ऑलमोस्ट 3 आवर्स हम लोगों ने ट्रैवल किया है इस जगह पे आने के लिए। और खाना खा के मैं आपको बोल सकती हूँ कि हम लोग बार बार आना चाहेंगे यहाँ पर। द फूड वॉज ग्रेट, और आपकी सर्विसेज जो है, आपका जो स्टाफ है, आपके जो लड़के हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपना नाम मुझसे छुपा के रखे हैं। क्या नाम है आपका? असल में मैं अपना नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ, जो यहाँ प्लेटफॉर्म पे, जो प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे मेरे बड़े भाई है फरमान, जिनका नाम मैं यहाँ आया हूँ उनके बदौलत, इसीलिए मैं अपना नाम नहीं दे रहा था। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, बिकॉज इतने लोग मुंबई में जो रहते हैं, जो मुंबई के आसपास लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं और अच्छा खाना खाना चाहते हैं, जरा अच्छे खाने की तलाश में होते हैं, यू मस्ट कम टू दिस प्लेस, विजिट दिस प्लेस वंस एंड यू विल नो हाउ गुड द फूड इज। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इस जगह का नाम है नवाब ढाबा, और आप लोग इसको गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो। गूगल मैप पे आप जैसे डालोगे नवाब ढाबा भिवंडी, आपको लोकेशन आ जाएगी और आप आराम से अपनी गाड़ी से यहाँ पे आ सकते हो। कोशिश करना कि अपनी गाड़ी से आओ, क्योंकि कैब्स वगैरह मिलना यहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हाईवे। ओके, एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर होम, अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू टेक अस एटलीस्ट 2.5 आवर्स फ्रॉम हियर, एटलीस्ट ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन इतना तो मान के चलो कि 2.5 घंटे का ट्रैवल है। अब हम लोग इसके बाद व्लॉगिंग नहीं करेंगे, अब आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, do like, share, comment, subscribe to our YouTube channel. Which is Sambhavna Sage Entertainment. Happy birthday, baby! Happy birthday! Happy birthday, baby! Happy birthday, baby! Mara isko! Oye! Arre, arre, arre! Arre, bhaake maar diya! Arre, arre, chet!